गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, से गुड मॉर्निंग मैम। गुड, आपकी आर्ट की टीचर है, वो आपको आजकल सिखा रही है बैग बनाना, पेपर बैग। बच्चों, पहले तो मैं बता दूं, हमें प्लास्टिक बैग्स यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट सेफ नहीं रहता। पता क्या है, हम एनवायरनमेंट सेफ करने के लिए या तो क्लोथ्स के बैग यूज़ करने चाहिए या पेपर बैग, राइट। अब पेपर बैग कैसे बनाना है हम आपको सिखाएंगे। इसके लिए मटेरियल क्या चाहिए आपके लिए, चाहिए हमें ड्राइंग शीट, बड़ा वाला स्केल, पेंसिल्स, ग्लू स्टिक एंड सीजर, ठीक है। ये हम सिखा रहे हैं क्लास फोर्थ के लिए। तो चलो लेट्स स्टार्ट। पहले तो बता दो मैंने किस कलर का चार्ट लिया है। मुझे ब्लू लग रहा है। नो मैम, येलो। वेरी गुड। चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे बच्चों। पहले इसको फोर साइड है ना हमारी, 1 2 3 4, हम एक चार्ट पेपर लेंगे, उसको हाफ कट कर लेंगे, राइट। कितना कट करना है, हाफ। यह मैंने पहले से ही हाफ कट करके रख लिया है। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें ऐसे स्केल रखना है और इसको देखिए ये फोल्ड कर देना है ऐसे चारों तरफ से। बच्चों हमने इसको क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। ये देखिए, आपको मेजरमेंट के लिए स्केल लेना है। क्यों, अगर हम स्केल की विद द हेल्प ऑफ स्केल नहीं करेंगे तो कोई कॉर्नर हमारा बड़ा हो जाएगा, कोई कॉर्नर हमारा छोटा हो जाएगा, जो हमारे बेचारे बैग को सुंदर नहीं बनाएगा। इसलिए हमें मेजरमेंट के लिए स्केल ही लेना है। बड़ा स्केल लोगे तो अच्छा रहेगा, जल्दी हो जाएगा। ये देखिए अब हमने इसको ले लिया है, राइट। अब हम करेंगे इसको हाफ। देखिए हमने इसको हाफ किया विद द हेल्प ऑफ फिंगर, हमने इसको प्रेस कर लिया। चलिए अब आपको बता दें कि फिंगर नेम्स क्या होते हैं। मेरे एक हाथ में कितनी फिंगर्स हैं, काउंट इट, बोलो। मुझे नहीं आता, आपने काउंट करना है। 1 2 3 4 एंड 5। आपको पता है, आपको नेम आते हैं फिंगर्स के। चलिए मैं बता देती हूँ। इट्स थम, थम के साथ वाला इंडेक्स फिंगर, इट्स मिडल फिंगर एंड इट्स रिंग फिंगर एंड इट्स लिटिल फिंगर। तो होप आपको आगे होंगे और आपको रिवाइज भी करने हैं फिंगर्स नेम। मैं कभी भी फोर्थ क्लास में आऊँगी और पूछ लूँगी। चलिए ये अब हम पहुँचे थे, हमने इसको हाफ कर लिया। अब देखिए इसको फिर से हम ओपन कर लेंगे, राइट। अब जो हमारी, देखिए बच्चों ये बीच में एक लाइन आई है ना सेंटर में, ये देखिए मैडम क्लोज करिए, ये देखिए एक फोल्ड का एक निशान आया, एक लाइन आई है, वहां पर हमने मिड में रख दिया हमने अपना एक स्केल, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ पेंसिल हमने ये देखिए साइड्स में क्या कर दी बच्चों, लाइंस को ड्रॉ कर दी। अब देखिए हमने आगे क्या करना है, अब हमने जो ये वाली लाइन है यहाँ से इसको फोल्ड करना है, जो हमने पेंसिल से ड्रॉ की थी, जो मिड में आई थी वो नहीं, जो पेंसिल से ड्रॉ की थी। ये देखो हमने कर दी और फिर इसको हटा दिया। दूसरी साइड जो लाइन लगाई थी उसको भी हमने ऐसे प्रेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ फिंगर। अब देखिए अब हमारा ये क्या बन गया बच्चों, इतना मुझे पता चल गई। अब हमें जो इसकी अपर साइड है उसको कर देना है फोल्ड। ये देखिए फोल्ड करने के बाद हमें इसको उठाना है, ये देखिए ऐसे, ये देखिए, और इस तरह से इसको विद द हेल्प ऑफ ग्लू हमने इसको पेस्ट कर देना। देखिए विद द हेल्प ऑफ ग्लू हमने इसको क्या कर दिया बच्चों, पेस्ट। देखिए आप जब इसको बनाओगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो आप इसको पुराने न्यूज़पेपर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जब आपकी कमांड हो जाएगी तब आप इसको फिर यूज़ करिए। चलिए ये देखिए अब हमने इसको कर दिया ऐसे। अब हमने पहले से ही एक को, क्योंकि ग्लू तो सूखेगी, देर लगाएगी तो हमारे वीडियो में वो हमारे लिए मुश्किल हो जाना था, तो हमने कल ही एक को ऐसे यहाँ तक बना दिया था विद द हेल्प ऑफ ग्लू, हमने इसको पेस्ट कर दिया था। अब देखिए जो साइड बच्चों, एक तो देखो ये बंद होगी ना, अंदर चलेगी, जो ये ओपन वाली है ये वाली साइड आपने ऊपर रख कर विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स अंदर की तरफ इसको प्रेस कर देना। ये देखिए लाइक दिस, ये देखिए कर दिया। अब हमने इसको अंदर की साइड फोल्ड कर दिया, राइट।
ये हमारा ना नीचे वाला हिस्सा बनेगा बेस। क्या बनेगा बच्चों? जो हमारा बैग है पेपर बैग, उसका क्या बनेगा आपका बेस, जो नीचे वाला होता है ना हिस्सा वो। अब हमने इसको ऐसे अरेंज कर देना है। देखिए अरेंज कैसे कर रही है मैम, ये देखिए अरेंज करके इसको ग्लू लगा देना है, राइट मैम। ग्लू लगाने के बाद ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा एक बैग तैयार हो गया। अभी हम इसमें VPS भी लिखेंगे क्योंकि स्कूल बैग बनाना है ना हमने इसको। चलिए अब देखिए अब हमने इसको लगाना है हैंडल्स। कैसे लगाने हैं? ये स्ट्रिप्स हमने विद द हेल्प ऑफ स्केल मेजरमेंट करके काट ली थी, राइट। चार्ट में जो बचेगा ना आपका, उसकी हेल्प से हमने इसको काट लिया। अब इसको हमने कर दिया ऐसे फोल्ड। ये देखिए फोल्ड करने के बाद या तो आप इसको यहाँ से स्टेपल कर लीजिए, राइट, या ग्लू से आप इसको पेस्ट कर लीजिए। देखिए हमने ग्लू ली, ग्लू से विद द हेल्प ऑफ ग्लू हमने इसको पेस्ट कर दिया। ये देखिए ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। अब देखिए इस बैग का हमने लगानी है, क्या लगाना है, हैंडल। ये देखिए हमने इसको लगा दिया यहाँ पर ग्लू स्टिक एक साइड एंड सेकंड। ये देखिए ये बन गया हमारा बैग, ठीक है। अब मैम इसको आप थोड़ा पेस्ट करिए क्योंकि मैं इसको सूखने में टाइम लगाएगा, तो हम इसको विद द हेल्प ऑफ स्टेपल लगा देते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। आप हाथ हटा दीजिए। चलिए ये देखिए हमने इसलिए पिंस यूज़ कर दी बच्चों क्योंकि सूखने को देर लगेगा। अब देखिए ये साइड से देखिए, अब हम यहाँ लिखेंगे VPS। चलिए मैम लिखिए VPS क्योंकि हमने स्कूल का बैग बनाना है। डबलिंग ज़रूर कर दीजिए मैम, डबलिंग ज़रूर कर दीजिए। ये देखो अब हमने इसको डबलिंग कर देनी है। डबलिंग करके आपको इसके ऊपर क्या करना है बच्चों, आपने इसको क्या करना है, कलर से फिल। क्या करना है, कलर से फिल। और ये बन गया हमारा पेपर बैग। क्या बन गया हमारा पेपर बैग। तो आपका स्कूल जब आप आते हो ना बेटा, आते हो ना अपना आर्ट मटेरियल लेके, तो आपने अब इसमें लेके आना है। कलर फिल करना है तो आपकी मैम ने आपको सिखा ही दिया है। आप VPS को थोड़ा बड़ा बड़ा भी कर सकते हो, डबलिंग करके बीच में कलर फिल कर सकते हो। तो और डेकोरेशन करनी हो तो देखिए आपके पास वेस्टेज होती है ना, वो कोई फ्लावर होता है, कोई आपके पास स्टोन पड़े होते हैं, उससे आपने इसको डेकोरेट कर लेना है। तो ये आपका बन जाएगा पेपर बैग। तो आप आर्ट का सामान लेकर आइए इसमें स्कूल को, और स्कूल का जो आपका आर्ट का मटेरियल है वो इधर उधर भी नहीं होगा और सेफ भी रहेगा। तो बच्चों डू प्रैक्टिस एट होम। बाय बाय, टेक केयर।